ऊपर जो दरख्त है, ये नाशपाती का, वो पीछे खुबानी का, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी हमारे पास है, सेब का दरख्त है यहाँ पे। एक ये है, कोशिश करेंगे कि गिरा हुआ से उठा के कहीं जो अच्छी हालत में, अदरवाइज ऊपर से एक तोड़ के भी नाश्ता करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, नाज़रीन इस वक्त हम यहाँ पे भूनी में मौजूद हैं, आगे मसूर जाना है, उसके बाद लश्कर घास जाना है। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मोहम्मद कामरान अराई साहब मौजूद हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, कितनी देर में हम पहुँचेंगे। जी भाई, तकरीबन जो है यहाँ से हमारे कोई 180-200 किलोमीटर हैं, और हमें जो है वो मस्तूज यहाँ से अभी निकलेंगे, हम भूनी में हैं, मस्तूज के लिए निकलेंगे। मस्तूज से फिर एक शंदूर का टर्न आता है राइट, हमने राइट के बजाय लेफ्ट सीधा जाना है। सीधा जब हम जाएंगे तो हमारे रास्ते में पावर, लश्त, यारखून, चकार, ग्रिल, लश्कर गाज, ये तकरीबन सारा ऑफ रोड है और मुख्तलिफ किस्म का है, तो इसमें हमें उम्मीद है कि ये कोई 8-10 घंटे का हमारा आज ट्रैक जो है। जी बिल्कुल, पहला जो हमारा जो टारगेट है मस्तूज तक, उसमें हमने 2 घंटे तक पहुँचना है तकरीबन। 30 किलोमीटर है, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। ये जो एरिया है ये अपर चित्राल के हालाता है, यहाँ का टेम्परेचर डे टाइम में 35 से 40 के दरमियान ही है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की और धूप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गर्मी शदीद होती है। आपको ये सनबर्न यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, इसमें यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, ये वजह कि यहाँ पे सनबर्न ज़्यादा है इस एरिया में। थोड़ी सी आसानी इसलिए हो रही है कि यहाँ पे ये जीप ट्रैक है, तो जीपों ने एक रास्ता बनाया है जहाँ पे पत्थर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा स्पीडी ट्रैवल चल रहा है। टूरिस्ट एरियाज हैं, वो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते, जहाँ पे इस तरह के होटल वगैरह नहीं है, जहाँ पे इस तरह की सहूलियात नहीं है, जहाँ पे लोग अपने व्हीकल्स पे, अपने कन्वेंस पे नहीं जा सकते। तो उस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं आपको सिर्फ इंटरनेट पे देखने को मिल सकते हैं, जो हमारा मुल्क में एडवेंचर टूरिज़म नहीं है, ये जो हम कह रहे हैं ये एडवेंचर टूरिज़म है। अब इस वक्त हम लाहौर से यहाँ तक 1000 किलोमीटर आ चुके हैं, और कहने का जो हम चित्राल या भूनी पहुँचे ये हमारा बेस कैंप बना है, यानी कि इससे पीछे पीछे देखने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। शदीद तरीन गर्मी है, 35 से 40 टेम्परेचर है डे टाइम का।
अगर आप एडवेंचर टूरिस्ट हैं तो आपको जंगलों से भी गुजरना पड़ेगा, पहाड़ों से भी और रेगिस्तानों से भी। बस तैयारी आपकी पूरी हो, उसके बाद कोई इशू नहीं है, आप आराम से सफर कर सकते हैं। शुक्रिया, ठंडा पानी पीना है तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें पता है कि आप लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, हमारी तरह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम शायद ऊपर ऊपर से मेहमान नवाजी पूछ लेते हैं। ठंडा पानी पीना है? नहीं, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये बता दें, पास करीब है, अभी तो पानी है, आगे चश्मा करीब है, दूर है? बस बिल्कुल यहाँ से जाए, चश्मे के चश्मे। बस पानी का कोई मसला ही नहीं। पानी बहुत है हमारे पास। चलें, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। हम आगे सफर करना शुरू करें अपना, अगर जब भी चाय का मूड। बहुत बहुत शुक्रिया। वापसी अभी यहाँ से आएंगे दो दिन बाद। अच्छा, दो यहाँ से गिलगित तो मेरा ख्याल में बरोगोले कुरुम्बरा तक जाएंगे। हाँ, कुरुम्बरा तक जाएंगे। अच्छा, बजे के बाद बस एक जगह पे स्टे करें, क्योंकि ऐसे ऐसी जगह है कि मतलब ज़्यादा बियाबान जगह आपको पता नहीं हो। लोगों से पूछो ये इस जगह से उस जगह के कितना फास जाए। बस हम करीब करीब जाना चाह रहे हैं ताकि कल का सफर कम हो जाए। ख्याल करें, क्योंकि रात का अगर रात हो, आप तो नावाकिफ लोग हैं। नहीं, हमारे पास बोरिया बिस्तरा सब कुछ, मंजी बिस्तरा सब कुछ साथ है। मुझे पता आप सब कुछ है, दिमागों में फितूर है हमारे। लश्कर घास की तरफ जा रहे हैं। वर्ड पता नहीं, लश्कर घास ही है। साथ ये भी कि उन्होंने घास नहीं है, ये घास है खाने वाली। बस हमारे खाने वाली तो नहीं है ये, तो अब घोड़े गधे खाते हैं हम तो। चलो, ये हमारे पास चित्राल कौन से हैं ये हमें किसी को नहीं पता, लेकिन ये वाकई मुख्तलिफ कुछ नहीं है, ये वही फैमिली लगती है। वही ये भी पशु कॉन्स के ही शेप के हैं। ये चित्राल कॉन्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। आपको एक ही जगह पे बड़ा कुछ मिलेगा। ये आपको पहाड़ी सिलसिले जो लग रहे हैं, ये पशु कॉन्स से मिलते जुलते लगते हैं। कोई कह रहा है कि शायद नहीं, लेकिन इनकी जो शेप है इससे मुख्तलिफ भी नहीं है। ये हमारा ओढ़ना बिछोना, बोड़िया बिस्तरा सब कुछ यही है। मेहमान नवाजी की जितनी भी तारीफें की जाएँ वो कम है। सूरत हाल ये है कि अगर आप इन सबके पता पूछेंगे तो जो कि अपनी शॉप के अंदर बैठा हुआ है वो भी उठ के बाहर आके आपको बताएगा, काम छोड़ के आगे बताएगा कि हाँ जी मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूँ।
दोस्तों एक बहुत बैड न्यूज़ हुई है कि आगे सैलाब आ गया, इस जगह को सैलाब कहा गया था। पता नहीं ऊपर जाने का रास्ता भी शायद यही था। तो ये है कि रात के वक्त किसी भी टाइम पे ये टेम्परेचर कम हो जाता है, तो पानी का जो फ्लो है कम हो जाएगा, बर्फ़ कम पिघलेगी, फ्लो कम होगा, तो उस टाइम पे ये यहाँ से शायद निकाल सकते हैं। जी आप देख सकते हैं रास्ता तो बंद है लेकिन मोटरसाइकिल आगे क्रॉस की जा रही है। ये 2.5 किलो की मोटरसाइकिल है, ये उठा उठा के आगे करनी पड़ रही है। यहाँ में पानी का कोई सिस्टम नहीं था ऐसा कि पानी यहाँ से आता हो, ये सिर्फ पानी ने अपना रास्ता बनाया। ये सिर्फ एक पहाड़ था जिसमें आगे बाकी है, पानी के ऊपर प्रेशर था, पानी के प्रेशर के साथ सारा बहाव बना और ये पानी यहाँ पे आना शुरू हो गया। पानी ने रास्ता बनाया और रोड सारी ख़राब की, उसके बाद पानी यहाँ पर आना शुरू हो गया। देखें ये तकरीबन 250 किलो की एक बाइक है, ये कीचड़ से ऊपर चढ़ा रहे हैं। मुश्किल ज़रूर है। ये बाइक्स आप कह लेंगे 300 से 500 रुपए के खर्चे में यहाँ से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। जी तो दोस्तों सूरत हाल एक अच्छी नहीं है इतनी, इस वक्त 6:30 बजे का टाइम हो चुका हुआ है और यहाँ पे एक और ग्रुप भी था जो कि क्रोमवेल लेक के लिए जा रहा था, जहाँ पे आज उन्होंने लिस्ट ही वेट करना था और कल के लिए उन्होंने क्रोमवेल लेक को सर करना था। लेकिन सूरत हाल ये है कि आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है काफ़ी, तो रास्ता बंद हो गया, जो कि कह रहे हैं कि जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए तो 4 दिन लगेंगे और रास्ता सही होने के लिए। और जो लोकल बाइकर्स हैं उनके लिए उन्होंने कोशिश ये की है कि बाइक को कैरी करके उठा उठा के कि सीट के उन्होंने वो जो जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी वो एरिया गुजार दिया। वो काफ़ी लोग तो गुजर गए लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमें वेट करना चाहिए क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आप पानी का फ्लो देख सकते हैं, पानी का फ्लो आज बहुत ज़्यादा है और मैं भी अभी आगे से होके आया हूँ तो पानी जहाँ पे पहले नहीं आता था इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। मुझे खुद डर लग रहा है कि कोई नई जगह से लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए, वो चांस है बिल्कुल हो सकती है। इसलिए डिसाइड ये किया कि हम वेट करें अभी और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले ताकि टेम्परेचर कम हो, तो यहाँ पर जो पानी है पानी का फ्लो कम हो, इसलिए डिसाइड ये हुआ है कल का वेट करना चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहिए, बेहतर डिसीजन है कि वेट कर लें क्योंकि अगर हम अभी भी निकलते हैं तो 4 से 5 घंटे हमें अंधेरे में ट्रैवल करना पड़ेगा। पहाड़ हैं और रोड बहुत गंदी है, इसलिए रास्तों का कोई कन्फर्म नहीं है कि किस साइड पे जाना है, कोई गलत जाएगा तो कोई बताने वाला भी नहीं है क्योंकि कहीं पे कोई डाइवर्जन होगी तो कोई बताएगा भी नहीं, तो इसलिए बेहतर है कि इसको हम अभी डिले कर दें और कल के लिए।